हमारी टीम जब सेलेक्ट हुई थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें दो मैच विनर निकल गए थे, जो वकार यूनस और सईद अनवर। अब याद रखें, टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चार मैच विनर होते हैं, पांच बहुत ही अच्छी टीम हो तो पांच। अब दो जब निकल गए बीच में से तो वो हमें बहुत बड़ा धचका था, इसलिए हमारी शुरू की परफॉर्मेंसेस बुरी थी। वक्त था कि जब हम टूर्नामेंट हार रहे थे, चार पॉइंट थे, तो कोई उम्मीद नहीं थी इस टूर्नामेंट को देखने के। और जो सीनियर्स का कॉम्बिनेशन था उस टूर्नामेंट के अंदर, वो बहुत बड़ी एक हेल्प थी पाकिस्तान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर उस यंगस्टर के लिए जो उस टूर्नामेंट में पहली दफा खेल रहा था या पहली दफा ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहा था। कप्तान हमें कॉन्फिडेंस देता रहा ऑल द टाइम कि हाँ, यू नो, बिलीव इन योर एबिलिटी, मेहनत पे बिलीव रखो, एक अच्छा मैच जीतेंगे, हमारा एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। वही ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते, उसके बाद वी नेवर लुक्ड बैक। एक यकीन था कि हम जीत सकते हैं, और मैं आई वाज ट्राइंग एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडिया जो बाउंड्री थी वो भी मिली, मौका लगा, जिस तरह मैंने सोचा, जहाँ एग्जीक्यूट करने का सोचा उस शॉट को, वहाँ पे वो शॉट लगा। और फिर उसके बाद जब चौका मारा, उस वक्त भी मैंने सोचा था कि मैं ये गैप है यहाँ पे, ये शॉट खेलूंगा तो चांस है कि हम जीत सकते हैं, ये बाउंड्री मिल जाएगी, और ऐसे ही हुआ। चौबीस साल का था मैं तब, तो आई थिंक ऑब्वियसली वो ड्रीम कम ट्रू थी किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, कि वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसे मौके पे गेम चेंज करे जहाँ उसको लोग याद रखते हैं। आई थिंक ये काम किया उसने अभी तक लोगों को, एग्जैक्टली वही दो डिलीवरी से आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल उस जनरेशन को भूलेंगे या मुझे भूलेंगे। अब सो रेडी, तो मुझे पता था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगी हुई है। जिसे गेंद हवा में गया था, स्टार्ट रनिंग एकदम अचानक, जब मैंने गेंद देखी मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि मेरे करीब है और मैं पकड़ सकता, बट इट वॉज वेरी फार, बट आई वॉज सो फिट दैट टाइम, सो आई फेल्ट दैट कि नहीं, मैं पकड़ लूंगा। You mustn't drop it. I would just like to say that I feel very proud that at the twilight of my career, finally I've managed to win the World Cup. Thank you. Thank you very much, Imran Khan. Congratulations, Pakistan. Let's go from down here.